गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती मुखर्देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंत गढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 किस तरीके से बना, इसके पीछे इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे और इसके प्रावधानों को हम बाद में जानेंगे। तो हम जो हमारा टॉपिक है इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है। तो आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है, जो हम इसका प्रथम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें इसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसके उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। इसके पश्चात इसके जो प्रावधान है उन पर हम चलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को इस आरबी एक्ट की पृष्ठभूमि के साथ। तो हम जानते हैं किसी भी देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको आगे ग्रोथ करने के लिए बैंकों का होना अनिवार्य है, और बैंकों को भी कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी अथॉरिटी का होना भी अनिवार्य है। तो ये जो आरबीआई, जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, ये एक ऐसी ही अथॉरिटी है जो भारत के सभी बैंकों को नियंत्रित करती है। तो इस अथॉरिटी का जो मुख्य काम है वो क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी देश में बैंकों का होना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, और इन बैंकों पर भी नियंत्रण आवश्यक है। यदि बैंकों पर नियंत्रण यदि आवश्यक नहीं होगा तो हम जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर है सारा का सारा सिस्टम है जो खराब हो सकता है। तो इसलिए इस पर कुछ नियमन की भी आवश्यकता है, और नियमन करने वाली जो संस्था है उसे हम क्या नाम दिया हमने, आरबीआई जो हमारी संस्था है वो है। और भारतीय रिजर्व बैंक जो एक अपने आप में एक बड़ी देश की बहुत बड़ी एक संस्था है जो देश के संचालन में अपना अहम रोल भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, अदा करती है। तो चलते हैं हमारे इस टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं इसकी पृष्ठभूमि के साथ। तो हम देखते हैं कि पृष्ठभूमि कहाँ से इसकी स्टार्ट होती है। तो पृष्ठभूमि में बात करते हैं सबसे पहले 1856 में वारेन हेस्टिंग्स का सुझाव। वारेन हेस्टिंग्स ने सुझाव दिया कि भारत में आरबीआई, जैसे कि बात कर रिजर्व बैंक की स्थापना जरूरी होनी चाहिए, और यहीं से इसका जो स्टार्ट है जो हो गया कि भारत में उसका जो रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। रिजर्व बैंक को हम केंद्रीय बैंक के नाम से भी जानते हैं। और इसी के पश्चात 1913 में चैम्बरलेन आयोग ने भी इसी संदर्भ में एक सुझाव दिया कि भारत में जो उसका सेंट्रल बैंक है यानी केंद्रीय बैंक है या रिजर्व बैंक है तो वो होना चाहिए। और इस संदर्भ में जो 1920 में जो तत्कालीन जो वहाँ की अंग्रेज सरकार थी उन्होंने क्या किया, तीन जो बड़े बैंक थे, ठीक है, उन तीनों बैंकों को मिलाकर के एक इंपीरियल बैंक की स्थापना की। वो तीन कौन कौन से बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर के और उन्होंने एक बैंक बनाया जिसे हम इंपीरियल बैंक के नाम से जानते हैं। और इंपीरियल बैंक बना करके उन्होंने ये कह दिया कि ये बैंक है जो एक बड़े बैंक के रूप में काम, बड़े बड़ी संस्था के रूप में अब बड़ा बैंक है जो बन गया है, और ये भारत में जो व्यवस्था देखेगा और ये काम करेगा। लेकिन इसके पश्चात भी जो केंद्रीय बैंक की जो मांग है वो नहीं थमी, और 1926 में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उसने हिल्टन यंग आयोग ने यह सिफारिश की कि भारत में केंद्रीय बैंक होना जरूरी है, उसकी स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि यहाँ इस क्षेत्र का जो विकास किया जा सके, बैंकिंग सेक्टर का विकास किया जा सके। तो इनकी जो सिफारिश है एक अहम भारतीय जो रिजर्व बैंक है जो इसकी स्थापना में अहम मानी जाती है। और इसी संदर्भ में कुछ समय पश्चात ही 1928 में भारतीय विधायक सभा में आरबीआई एक्ट के लिए एक बिल प्रस्तुत हुआ, और इस बिल में प्रस्तुत तो हुआ लेकिन काफी माथापच्ची का काम था और ये बिल पास नहीं हो पाया। इसके पीछे कुछ रीजन है कि इसकी जो मेन जो विषय जो चर्चा का विषय था वो ये था कि ये बिल है जो
प्रस्तुत किया गया है आरबीआई के लिए, या जो आरबीआई बैंक की स्थापना के लिए बात की जा रही है कि ये बैंक सरकारी नियंत्रण में हो या इसको हिस्सेदारी में भी यानी शेयर में ये बढ़ जाए, तो इस चक्कर में जो आरबीआई की स्थापना नहीं हो पाई और ये जो बात है यहीं की यहीं रह गई, और इस तरीके से सरकारी या हिस्सेदारी के अनुवाद में ये बैंक है जो कहने का मतलब है आरबीआई जो फंस गया, और इसके बाद पुनः ये चर्चा लगातार जारी रही और दो तीन साल पश्चात थी पुनः केंद्रीय बैंकिंग जो 1931 में पुनः केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने अपना सुझाव दिया कि आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना की जानी चाहिए, एक नया है जो बैंक है जो ऐसी संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए जो भारत में बैंकिंग संस्थाओं पर कंट्रोल करे, और इसी सुझाव को एक अहम भी माना जाता है क्योंकि इसके पश्चात थोड़ा सा आरबीआई की स्थापना के लिए और ज्यादा गति मिली, और इस गति को 1933 में भारतीय विधायिका सभा में बिल प्रस्तुत और यानी भारतीय विधायिका सभा में एक बिल प्रस्तुत किया गया और इस गति को और आगे बढ़ाया गया, और जो बिल प्रस्तुत हुआ वो एक अहम बिल था, और इस जो बिल की बात करें तो ये बिल पास भी यही हुआ, और इस तरीके से जो ये है जो भारत में जो आरबीआई एक्ट की स्थापना के लिए एक जो सूत्रपात ये मानिए कि स्टार्ट हो गया, और बिल पास होने के बाद में 1934 में 6 मार्च 1934 को तत्कालीन जो वायसराय थे उस समय अंग्रेज सरकार के उनके हस्ताक्षर हुए, और हस्ताक्षर के पश्चात है जो ये बैंक है जो बन गया यानी आरबीआई जो एक्ट है वो क्या हो गया लागू हो गया रिजर्व बैंक अधिनियम में जो लागू हो गया। तो हम बात करें हम आगे तो 6 मार्च 1934 को तत्कालीन वायसराय ने इस पे हस्ताक्षर किए और आरबीआई एक्ट है जो 1934 में लागू हो गया। इसके पश्चात 1 अप्रैल 1935 को विधिवत है जो इसका कार्य संचालन भी हो गया। तो कहने का मतलब है एक्ट तो 1934 में ही बन गया लेकिन इसका जो विधिवत संचालन है जो बैंक के आरबीआई है जो देश के केंद्रीय बैंक के रूप में काम करना जो प्रारंभ है इसमें 1 अप्रैल 1935 को है जो इसने किया है, और इसका जो काम है वो दो चरणों में लागू हुआ। तो प्रथम चरण की बात करें जो कि 1 जनवरी 1935 को लागू हुआ, और इस चरण में जो चीजें रखी गई थी वो थी धाराएं 2, 19, 47, 50, 53, 55, 58 और 61, तो इन धाराओं को प्रथम चरण में लागू किया गया और बाकी जो अन्य शेष धाराएं हैं उनको द्वितीय चरण यानी 1 अप्रैल 1935 को है जो लागू किया गया। इसकी जो कुल धाराएं हैं वो 61 थी स्टार्टिंग में जब इसको, लेकिन उसमें कुछ संशोधन के बाद में अभी कुछ कमी हुई, लेकिन स्टार्टिंग में इसकी जो कुल धाराएं थी वो टोटल जो 61 थी। तो ये इसकी जो पृष्ठभूमि है इस तरीके से जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना हुई और इसके पीछे बहुत सारे प्रयास हुए उस समय अंग्रेजी सरकार के लोगों के द्वारा भी, उनकी जो समितियां थी उनके द्वारा भी, और भारतीय विधायिका सभा की भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस तरीके से हम देखें तो इसका एक पृष्ठभूमि के अंतर्गत देखें तो एक बहुत बड़ा इसका है जो एक लंबा जो प्रोसेसर है और लंबे टाइम के बाद में जो इसकी मांग हो रही थी एक दिन आ रही थी ये पूर्ण हुई। तो हम देख सकते हैं कि 1896 से ये चीजें स्टार्ट हुई जो 1935 तक आकर के थमी और कहने का मतलब है आरबीआई जो काम करने लग गया। तो इससे आगे जो है रिजर्व बैंक की स्थापना तो हो गई लेकिन इसके कुछ उद्देश्य भी रखे गए थे कि रिजर्व बैंक तो स्थापित हो गया लेकिन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो ये आरबीआई है वो काम करेगा। तो इसके कुछ स्टार्टिंग के जो उद्देश्य थे उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका उद्देश्य है वो है मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण करना। तो भारत में मुद्रा और जो साख मुद्रा है उस पे नियंत्रण का इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, साख का मतलब उधार से है, तो उधार कितने लोगों को दी जानी चाहिए और जो मुद्रा की जो मात्रा है ठीक है करेंसी है उसकी भी किस तरीके से व्यवस्था की जानी चाहिए ये सारा काम है जो इसके मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद में रुपए के मूल्य में स्थायित्व लाना, रुपया था उस समय हमारी मुद्रा है जो रुपया थी और
उस जो रुपए के जो आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य को स्थायित्व लाने का प्रयास करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो बाह्य और आंतरिक का मतलब ये है कि उस जो हमने जो रुपया बनाया है तो उस पे जो खर्चा है, ठीक है, आंतरिक मूल्य उस पे जो छपा हुआ मूल्य होता है, सॉरी जो बाह्य मूल्य है वो उस पे छपा हुआ मूल्य होता है, और आंतरिक मूल्य होता है उसके कुल वजन की बात करें हम, क्योंकि सिक्के हुआ करते थे, सिक्के की वैल्यू क्या है उसकी, तो उस कंडीशन से है जो इसको थोड़ा ध्यान में रखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिक्का है जो उसका बाह्य मूल्य, जो छपा हुआ मूल्य है, और उसकी कुल वैल्यू, उसके वजन की वैल्यू है, जो सिक्के में जो चीजें यूज ली जा रही है उसकी वैल्यू कितनी है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो उसके उद्देश्य को ध्यान में रखा गया था। तो रुपए के मूल्य में स्थायित्व लाना तो ये एक स्तर का था। इसके अलावा सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना सरकार के लिए, किसी प्रकार की यदि कोई ऋणों की आवश्यकता होती है, सार्वजनिक का मतलब सरकार के लिए, जो सरकार जो खर्च करती है पैसा उसके लिए ऋण, तो सार्वजनिक ऋणों के लिए तो जो सरकारी जो खर्चे हैं उनके लिए जो व्यवस्था करना और करना, ये भी इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना करना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग है जो, इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अन्य देश है तो उन देशों के साथ है जो तालमेल बैठा के काम करना, और उन तालमेल के साथ में जो ये आगे है जो आगे करना मतलब है ये मुद्रा संबंधी जो लेन देन है की कार्यवाही जो आगे बढ़ाना, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहना मतलब सहयोग की भावना है जो विकसित करने का भी इसका एक मुख्य प्रयास रहा है। और सुसंगठित मुद्रा बाजार का विकास करना, भारत में एक मुद्रा बाजार है, अल्पकालीन लेन देन है जो मुद्रा बाजार में होते हैं, और जो दीर्घकालीन लेन देन है वो पूंजी बाजार में होते हैं। तो लेकिन जो अल्पकालीन लेन देन है उनकी बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो इसका उद्देश्य रखा गया था वो अल्पकालीन लेन देन से संबंधित जो मुद्रा बाजार है हमारा, तो उसको अच्छे से विकसित करने का इसमें प्रयास किया गया था। तो ये भी इसका उद्देश्य है। मौद्रिक स्थायित्व लाना, तो मुद्रा के जो मूल्य है उसमें स्थायित्व लाने का प्रयास करना, महंगाई पर नियंत्रण करना, ये भी जो इसका उद्देश्य है जो एक रखा गया था। इसके बाद बात करें बैंकिंग व्यवस्था का विकास करना, भारत में उस समय बैंकिंग व्यवस्थाएं अच्छे से काम कर रही थी, बहुत सारे बैंक थे उस समय, तो उनको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए। बहुत सारे ऐसे बैंकिंग संस्थान थे जो एकदम से बीमारी के रूप में काम कर रहे थे, तो कुछ एक जो बैंक है जो बहुत अच्छे से चल रहे थे, तो जो बीमारी कहें हैं उनमें किस तरीके से नियंत्रण किया जाए और उनको जो या उनको उनको बंद किया जाए या उनको थोड़ा सा मोटिवेट करके उनको आगे और बढ़ाने का प्रयास किया जाए, ये सब सोचना भी इसका उद्देश्य था। तो इस तरीके से बैंकिंग व्यवस्था को आगे डेवलप करने का भी इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। और लास्ट इसका नोट निर्गम की उचित व्यवस्था, भारतीय रिजर्व बैंक है जो नोट निर्गमन का इसको पूर्ण एकाधिकार है, केवल एक रुपए के नोट को छोड़कर के जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा है, जो ये वित्त मंत्रालय है जो इसका ध्यान रखता है उसके द्वारा जारी होता है, बाकी जो सारे जो नोट है जैसे कि 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 और 10000, तो इन नोटों को क्या है इनको आगे जारी करने का है जो इसको अधिकार है। 1978 के बाद में 5000 और जो 10000 के जो नोट है उनका जो संचालन है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन बाकी जो नोट है वो अभी चल रहे हैं, और कुछ समय पूर्व ही जो नए नोट हमें देखने को मिले थे वो भी इसी अधिनियम के अंतर्गत जोड़े गए हैं, और इसमें हम 200 का नोट नया देखने हमने देखा और 2000 का नया नोट हमने भी देखा। तो इस तरीके से तो कुछ नई चीज़ें भी इसमें जुड़ी है, लेकिन ये सब एक संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है। तो ऑल ओवर कहने का मतलब ये है कि ये इसके कुछ मुख्य उद्देश्य है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।